नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है चीन से आयात पर प्रतिबंध की बात की जा रही है, यानी कि चीन से जो आप लोग खरीदते हैं वस्तुएं, जो भी सामान खरीदते हैं उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही है, उसी से संबंधित ये आर्टिकल आपका लिखा गया है। सबसे पहले हम लोग मैप्स में देख लेते हैं जहाँ हमारी विरोध चल रहा है इसे, और हमारे 20 सैनिक शहीद भी हो गए वहां। देख लेते हैं कहाँ स्थिति है। देखिए ये आपका एशिया, एशिया में ये है आपका प्यारा भारत, नीचे आपका श्रीलंका, ये बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये है आपका चीन। चीन की राजधानी बीजिंग है। यहाँ आपका ये अक्साई चीन वाला है, LEC वाला, इस पर तो कब्जा है ही चीन का, लेकिन इससे आगे भी आपका चीन बढ़ने लगा है। तो इसी को लेकर, मुद्दे को लेकर विवाद अभी करंट में छिड़ा हुआ है। यहाँ सिक्किम के पास भी विवाद चलता रहता है, अरुणाचल प्रदेश को लेकर भी हमारा चीन से विवाद चलता रहता है, पाकिस्तान से POK वाला हिस्से से विवाद चलता रहता है। यहाँ देख लीजिए इस मैप्स में आपको दिख जाएगा क्लियर, ये है आपकी इंडिया चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये है पूरी लाइन, ठीक है। अक्साई चीन कहते हैं इसे, इसे हम लोग POK कहते हैं, पाकिस्तान का कब्जा है। ये लाइन ऑफ ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC है, ये आपका कारगिल बिंदु हो गया, ये पाकिस्तान। अफगानिस्तान का हमारा छोटा सा हिस्सा लगता है POK वाला, देखिए यहाँ, क्योंकि हम POK को अपना हिस्सा मानते हैं और अपने मैप्स में दिखाते हैं, तो इसकी सीमा भी अफगानिस्तान से लगती है, ठीक है। ये हमारा जम्मू कश्मीर हो गया। याद रखिए जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया है, लद्दाख, लद्दाख अब अक्साई जो चीन है आपका LAC, ये लद्दाख वाले हिस्से में पड़ता है, POK भी आपका लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। POK का यहाँ से इतना हिस्सा। तो चलिए हम लोग आर्टिकल देखते हैं आखिर इसमें क्या क्या बातें की जा रही हैं। तो इसमें हम लोग ऐसे समय में जब विश्व व्यवस्था को वैश्विक महामारी से निपटने के लिए आपसी सहयोग, समन्वय एवं सहभागिता की आवश्यकता है, विश्व व्यवस्था के 2 बड़े राष्ट्र भारत व चीन सीमा विवाद के कारण आपस में उलझे हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि चीन सबसे बड़ा जनसंख्या में देश है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका भारत आता है। अभी आप समझ रहे हैं कि चाहे आपका स्टेट हो, स्टेट सेंट्रल या फिर इंटरनेशनल जो भी हो, सबको मिलने के एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अभी कोरोना की वजह से देखिए सब खस्ता हालत हो चुकी है, फिर चाहे अमेरिका हो आपका, वो भी तगड़े से झटका खाया हुआ है, चीन हो, भारत हो, हर देश इससे जूझ रहा है। हालिया विवाद का केंद्र अक्साई चीन में स्थित गालवन घाटी है, जिसको लेकर दोनों देशों की सेनाओं में 15 जून 2020 को हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में दोनों देशों के कई सैनिक शहीद भी हो गए। इस घटना के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर युद्ध जैसे हालात बन गए। ये आर्टिकल कुछ ज्यादा अपने यहाँ चर्चा में इसलिए हो गया क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी साहब है, उन्होंने एक शब्द यूज किया है कि हमारे सैनिक मारते मारते मर गए। शायद मुझे लगता है कि ये शब्द उन्हें भी यूज नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मारते मारते मर नहीं गए, मारते मारते शहीद हो गए। शहीद शब्द यूज किया जाता है ना हमारा यहाँ का, कोई सैनिक अगर अन्य देश से लड़ते लड़ते अगर शहीद हो जाता है तो उसे शहीद कहते हैं ना हम लोग। तो इसलिए आप देख रहे होंगे कई बार राहुल गांधी भी आपके अटैक कर रहे हैं, वहां मनमोहन सिंह आपके, हर कोई इस पर बुराई कर रहा है। इस प्रकार की जटिल परिस्थिति में भारत में घरेलू स्तर पर चीन के आर्थिक बहिष्कार का मुद्दा भी चर्चा के केंद्र में है। जैसे ही कोई हमारे चीन और हमारे भारत के बीच विवाद होता है तुरंत ही आर्थिक बहिष्कार की बात की जाने लगती है कि जो चीनी सामान जलाने लगते हैं, कोई LCD फोड़ रहा है, कोई आपका फोन फोड़ रहा है, कोई वस्तुओं को जला रहा है। तो आप देख रहे होंगे अभी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है ट्रेंड, जब समुदाय का एक बड़ा भाग चीन से आयात होने वाले उत्पादों पर तत्काल प्रतिबंध की मांग कर रहा है। प्रारंभिक स्तर पर भारत सरकार ने भी संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सुरक्षा मानकों पर
खतरा न उतरने के कारण लगाए गए। ऐसे में यह प्रश्न उठाना लाजमी है, क्या भारत में चीन के उत्पादों पर पूर्णता प्रतिबंध लगा देना चाहिए? ऐसा करना कहाँ तक व्यवहार है? प्रतिबंध लगाने से कहीं ऐसा ना हो कि विश्व व्यापार संगठन के नियमों और समझौतों का उल्लंघन हो जाए, यानी कि हमारे ऊपर एक WTO भी बैठा हुआ है, इसकी भी भूमिका रहती है विश्व व्यापार संगठन की। तो याद रखिए, आपके जितने भी संगठन हैं, हम लोग उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें जाकर देख लें। WHO है, WTO है, सभी आपके जितने भी संगठन UN, उनके बारे में बात की गई है। अब बात करते हैं भारत चीन संबंधों की पृष्ठभूमि। हजारों वर्षों तक तिब्बत ने एक ऐसे क्षेत्र के रूप में काम किया है जिसने भारत और चीन को भौगोलिक रूप से अलग और शांत रखा। परंतु जब 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया, तब भारत और चीन आपस में सीमा साझा करने लगे और पड़ोसी देश बन गए। याद रखिए, हमारी सीमा चीन से नहीं लगती थी, हमारी सीमा तिब्बत से लगती थी, लेकिन जैसे ही तिब्बत पर चीन ने आक्रमण करके उसे कब्जे में कर लिया, तो हमारी सीमा चीन से लगने लगी। अगर आप सोचिए कि हमारी चीन से सीमा ना लगती तो ये विवाद कभी खड़ा ही ना होता। और मुझे लगता है कि 1950 में जब ये सब हो रहा था, तब तो मुझे लगता है कि हम लोगों को तिब्बत पर साथ देना चाहिए था। ठीक है, एन कमजोर होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें UN में मुद्दा उठाना चाहिए था। 20वीं सदी के मध्य तक भारत और चीन के बीच संबंध न्यूनतम थे और कुछ व्यापारियों, तीर्थयात्रियों और विद्वानों के आवागमन तक ही सीमित थे। वर्ष 1954 में नेहरू और झोउ एन लाई ने हिंदी चीनी भाई भाई के नारे के साथ पंचशील सिद्धांत पर हस्ताक्षर किए, ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित करने के लिए कार्य योजना तैयार की जा सके। याद रखिए, पंचशील सिद्धांत चीन और भारत के बीच हुआ था। वर्ष 1959 में तिब्बती लोगों के अध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा और उनके साथ अन्य कई तिब्बती शरणार्थी हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। इसके पश्चात चीन ने भारत पर तिब्बत और पूरे हिमालय क्षेत्र में विस्तारवाद और साम्राज्यवाद के प्रसार का आरोप लगा दिया। और अभी भी आप देखते हैं कि आपके जो दलाई लामा साहब हैं, वो इंडिया में ही रह रहे हैं। वर्ष 1962 में सीमा संघर्ष से द्विपक्षीय संबंधों को गंभीर झटका लगा और उसके बाद वर्ष 1976 में भारत चीन राजनीतिक संबंधों को फिर से बहाल किया गया, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1962 में चीन के साथ हमारा युद्ध हुआ, हमारी हार हुई, चीन की जीत हुई। वर्ष 1988 में भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने द्विपक्षीय संबंधों के सामान्यीकरण की प्रक्रिया शुरू करते हुए चीन का दौरा किया। दोनों पक्ष सीमा विवाद के प्रश्न पर पारस्परिक स्वीकार समाधान निकालने तथा अन्य क्षेत्रों में सक्रिय रूप से द्विपक्षीय संबंधों को विकसित करने के लिए सहमत हुए। वर्ष 1992 में भारतीय राष्ट्रपति आर वेंकट रमन भारत गणराज्य की स्वतंत्रता के बाद चीन का दौरा करने वाले प्रथम भारतीय राष्ट्रपति थे। ये आपकी 1992 की बात है। वर्ष 2003 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने चीन का दौरा किया। दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों में सिद्धांतों और व्यापक सहयोग पर घोषणा पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 2011 में चीन भारत विनिमय वर्ष मनाया गया। वर्ष 2012 में चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में भी मनाया गया। वर्ष 2015 में भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन का दौरा किया। इसके बाद चीन ने भारतीय अधिकारी तीर्थयात्रियों के लिए नाथुला दर्रा खोलने का फैसला किया। भारत ने चीन में भारत पर्यटन वर्ष भी मनाया। वर्ष 2018 में चीन के राष्ट्रपति और भारतीय प्रधानमंत्री के बीच वुहान में भारत चीन अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। उनके बीच गहन विचार विमर्श हुआ और वैश्विक और द्विपक्षीय रणनीतिक मुद्दों के साथ साथ घरेलू और विदेशी नीतियों के लिए उनके संबंधित दृष्टिकोणों पर व्यापक सहमति भी बनी। फिर उसने देखा उन्होंने उसके बाद 2019 में प्रधानमंत्री तथा चीन के राष्ट्रपति के बीच
चेन्नई में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन हुआ। याद रखिए, अनौपचारिक का सीधा सा मतलब है कि इसकी कोई पहले से रणनीति नहीं होती है, अनौपचारिक होता है, किसी भी मामले पर बात हो सकती है इसमें, ठीक है। इस बैठक में प्रथम अनौपचारिक सम्मेलन में बनी आम सहमति को और अधिक दृढ़ किया गया। वर्ष 2020 में भारत चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ तथा भारत चीन सांस्कृतिक तथा पीपल टू पीपल संपर्क का वर्ष भी रहा 2020 में। अब बात करते हैं व्यापारिक स्थिति की। फरवरी 2020 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार चीन के साथ भारत का व्यापार वित्तीय वर्ष 2017-18 में 89.71 बिलियन डॉलर से घटकर वित्तीय वर्ष 2018-19 में 87.07 बिलियन हो गया। चीन ने भारत का आयात वित्तीय वर्ष 2018-19 में 70.32 बिलियन डॉलर था, जबकि भारत चीन का निर्यात वित्तीय वर्ष 2018-19 में 16.75 बिलियन डॉलर था। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का घाटा 53.57 बिलियन का था, बिलियन डॉलर का। एक बात आप लोग यहाँ देख रहे होंगे क्या, कि हम चीन से आयात ज्यादा करते हैं, निर्यात उसे बहुत कम करते हैं, और आप देख रहे हैं 53.57 बिलियन डॉलर का हमें घाटा है इसमें। अब बात करते हैं चीन से आयात उत्पाद के बारे में, देख लेते हैं चीन से आयात उत्पाद। इसमें 2000 इंपोर्ट फ्रॉम चाइना 2017-18, 18-19 और ग्रोथ देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी इसमें आपका देख रहा होगा, ये आपका 2017-18 की बात की जा रही है, ये आपका 41,84,789 करोड़ रुपए का हुआ है इम्पोर्ट, मतलब आयात किया है। और 2018-19 में हम लोगों ने 1,44,405 का, यानी कि कमी देखी गई आपकी। और न्यूक्लियर मशीनरी की बात करें तो 87,282 रुपये का आयात किया था 2017-18 में, लेकिन 2018-19 में बढ़कर 93,616 करोड़ रुपये का इम्पोर्ट किया गया, यानी कि 7.26% की वृद्धि देखी गई। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो पहले आपने 2017-18 में 45,691 करोड़ रुपए का आयात किया था, लेकिन 2018-19 में बढ़कर 60,082 करोड़ रुपए का आयात किया, यानी कि 31.5% की वृद्धि देखी गई आपकी। फिर अगर हम लोग प्लास्टिक आइटम की बात करें तो 2017-18 में आपका 15,246 करोड़ रुपए की आयात किया गया था, लेकिन ये 2018-19 में बढ़कर 19,038 करोड़ रुपए की किया गया, यानी कि आपका 24.87% की वृद्धि देखी गई। फर्टिलाइजर की बात करें तो ये 2017-18 में ये था 6912 करोड़ रुपए, लेकिन 2018-19 में बढ़कर हो गया 14,412 करोड़ रुपए, 108.51% की वृद्धि देखी गई। आयरन स्टील आइटम्स की बात करें तो ये 2017-18 में 9,400 यानी कि 9,497 करोड़ था, और 2017-18 में 9,497 करोड़ था, और 2018-19 में 12,165 हो गया करोड़ का, यानी कि 28% की वृद्धि देखी गई। ऑप्टिकल मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो ये 2017-18 में 10,718 करोड़ रुपए का था, 2018-19 में बढ़कर 11,108 करोड़ का हो गया, यानी कि 3.64 यानी कि 3.64% की वृद्धि देखी गई। व्हीकल्स की बात करें हम लोग तो ये 2017-18 में 9,371 था, और 2018-19 में बढ़कर 10,636 हो गया करोड़ का, ये आपका 13.5% की वृद्धि देखी गई। आयरन स्टील की बात करें तो ये 2017-18 में था 10,445, और 2018-19 में 9,000
950 करोड़ रुपए का हुआ, यानी कि -4.74% की वृद्धि देखी गई। अदर केमिकल की बात करें प्रोडक्ट की, तो ये 8692 करोड़ था 2017-18 में, 2018-19 में ये 8994 करोड़ हो गया, यानी कि 3.4% की वृद्धि देखी गई। एक बात आपको बता दें, मोबाइल के क्षेत्र में आपका 73% कब्जा चीनी कंपनियों का है, ठीक है। यानी कह सकते हैं आप लोग कि अगर 4-5 फोन है तो उनमें से 3-4 फोन आपके चाइना से आ रहे हैं, और आपके यहाँ 3-4 फोन यूज किए जा रहे हैं चाइना, तो इतना बड़ा हम लोग इंपोर्ट करते हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इस सभी को एक झटके में बंद किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। भावनात्मक रूप से आप सही हैं, क्योंकि हमें भी गुस्सा है, आपको भी गुस्सा है, देश भर की जनता को गुस्सा है, लेकिन एक बार में हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ठीक है आप इसे खत्म कर दीजिए, अपने घर में फोन है, LCD है, इसे आप तोड़ सकते हैं। क्या सरदार पटेल साहब की मूर्ति को बनाया गया है चीनी कंपनी द्वारा, क्या उस मूर्ति को भी आप तोड़ सकते हैं? तो विचार कीजिए, उसके बाद ही सामान की आप लोग घर में जो सामान है उसकी तोड़फोड़ कीजिए, ठीक है। जो घर में आ चुका है सामान उसकी तोड़फोड़ मत कीजिए, मेरी तरफ से यही राय है। और जो अब नहीं, मत खरीदिए सीधी बात चाइना से हम लोग, ठीक है, चाइना से मत खरीदना आप सामान, क्योंकि जो हमारे घर में सामान है उसकी तोड़फोड़ करेंगे तो हमें लोगों को ही भुगतान करना पड़ेगा। और आप समझ रहे हैं कि हमारी स्थिति कितनी बुरी है इस समय, कि हम 10,000 का फोन खरीदने के लिए 10 बार सोचते हैं, ठीक है। भारत चीन से मोबाइल फोन, दूर संचार के अन्य उपकरण, बिजली का सामान, प्लास्टिक के खिलौने और चिकित्सीय उपकरण सहित चिकित्सीय दवाइयां आयात करता है, जो उसके कुल आयात का 14% है। कितना? 14%। इसके अतिरिक्त कार और मोटरसाइकिल की कलपुर्जे, दुग्ध उत्पाद, उर्वरक, कंप्यूटर से संबंधित उपकरण तथा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े उत्पादों का आयात भारत के द्वारा किया जाता है। मुद्रण स्याही, पेंट, वर्निश, तंबाकू उत्पाद का भी आयात किया जाता है। एक बात आप लोग हमेशा सोचिए कि जो फोन आपको 10,000 से 12,000 रुपए में मिल रहा हो, जिसमें सब कुछ वो उपलब्ध है, वो सिस्टम या फिर वो सुविधा उपलब्ध है जो आपके 50,000 से 60,000 के एप्पल के फोन में मिल रहा हो, या फिर 20,000 से 25,000 के फोन में मिल रहा हो, तो आप कौन सा खरीदना पसंद करेंगे? 10,000 से 12,000 करो, समझ रहे हैं आप लोग। अभी आप मोटर व्हीकलों में जो भी कलपुर्जे यूज करते हैं, अगर इन्हें चाइना से बंद कर देते हैं तो जो आपकी अभी 1 लाख की बाइक पड़ती थी वो 1.5 लाख की पड़ेगी। ये कंपनियां आपकी मोटर कंपनियां कह चुकी हैं भाई साहब, ठीक है। तो समझ रहे हैं हम लोग कि हमें आत्मनिर्भर का मतलब ये है कि हमें पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए। 1905-6 में स्वदेशी आंदोलन इसलिए सफल रहा था क्योंकि उस समय हम लोग भारत पर बिल्कुल भी अन्य देशों पर भारत निर्भर नहीं था। हम खादी के कपड़े पहनते थे, हमें ना फोन की जरूरत थी, ना हमें एसी की जरूरत थी, ना हमें अन्य सामानों की जरूरत थी। हम काफी हद तक अपने आप पर डिपेंड रहते थे, आपने देखा होगा। तो उस समय इसलिए आपका स्वदेशी आंदोलन सफल हुआ था। उसे आज की परिस्थिति से बिल्कुल भी जोड़कर मत देखें, ठीक है। अब बात करते हैं भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की, यानी कि भारत चीन को क्या क्या देता है। भारत चीन को कृषि उत्पाद, सूती वस्त्र, हस्तशिल्प उत्पाद, कच्चा लेड, लोहे, स्टील, कॉपर, टेलीकॉम सामग्री, अन्य पूंजीगत वस्तुएं इत्यादि निर्यात करता है। भारत हीरा जवाहरात के कुल व्यापार का 36% चीन को निर्यात करता है। अब हमारी स्थिति देख रहे हैं आप लोग, ये है हमारी आयात निर्यात में। बात करते हैं आयात पर प्रतिबंध की व्यवहारता क्या है। एक तो आप भावनात्मक रूप से इसे अभी ले रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं, इस पर हर किसी में गुस्सा फूट रहा है, लेकिन हकीकत क्या है उसे देखिए आप लोग। वित्तीय वर्ष 2018-19 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 53.7 बिलियन डॉलर, याद रखिए। ऐसे में भारत वस्तुओं एवं सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीन की कंपनियों पर निर्भर है। भारत के बाजार में चीन निर्मित स्मार्टफोन की हिस्सेदारी लगभग 51% है, जबकि भारत द्वारा निर्मित स्मार्टफोन की हिस्सेदारी लगभग 21% है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के कुल निर्यात का 60% चीन से आयात किया गया। किससे? चीन से।
60% केवल चीन से। ठीक है, याद रखिए, चीन भारत के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी देशों के बड़े ब्रांड का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। अधिकांश विख्यात कंपनियों के उपकरण चीन से ही निर्मित होते हैं। आप जो भी फोन यूज कर रहे हैं उसमें एक ना एक उपकरण चीन का होता है, याद रखिए। इतना मार्केट फैला चुका है चीन। चीन के उत्पादों का मूल कम होने के कारण भारत के बहुत सारे उत्पादक वर्तमान में केवल और केवल ट्रेडर्स बनकर रह गए। दरअसल समस्या यह है कि जितने मूल्य में भारत में उत्पाद बनता है उससे कम दाम में वह मेक इन चाइना के ठप्पे के साथ बाजार में आ जाता है। जिस काम को हम लोग यहाँ अपने फोन को जिसमें बनाने में 10 से 12 खर्च आएगा हजार, उतने ही में आपके यहाँ वहाँ 2 से 3 हजार रुपये में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भारत के पास विकल्प क्या है। आखिर ये सभी बातें चल रही हैं तो भारत के पास कोई विकल्प तो होना चाहिए। आप पड़ोसी से बुराई कर रहे हैं तो आपके पास कोई विकल्प तो होना चाहिए कि दूसरा आपकी मदद करता रहे। ठीक है, भारत को अपने उत्पादन क्षेत्र का आकार बढ़ाना होगा। चीन के उत्पाद गुणवत्ता और टिकाऊपन के क्षेत्र में कमजोर होते हैं। इस क्षेत्र में अच्छा काम करने करके भारत अपना स्थान बना सकता है। भारत को विनिर्माण क्षेत्र के विकास हेतु असाधारण उपाय करने की आवश्यकता है। इसमें सफलतापूर्वक भूमि की उपलब्धता बद सस्ता श्रम प्रमुख है। भारत के पास एक विकल्प यह भी है कि वह चीन को दिया सबसे पसंदीदा राष्ट्र यानी कि MFN का दर्जा वापस ले सकता है। अपने MNF की अभी चर्चा पाकिस्तान के मामले में देखी थी हम लोगों ने। पाकिस्तान से छीन लिया था MNF का दर्जा, सबसे पसंदीदा राष्ट्र का दर्जा। इसके तहत क्या होता है कि छूट मिली रहती है पाकिस्तान को, छूट अपने जिस देश को आप MNF का दर्जा देते हैं तो व्यापार में कई तरह की छूट भी दे देते हैं। और आपको तब तक चाइना से पूरी तरह प्रतिबंध नहीं करना चाहिए सामान को जब तक हम खुद डिपेंड नहीं हो जाते हैं अपने ऊपर। ठीक है, अब देख लेते हैं मोस्ट फेवर्ड नेशंस यानी कि MNF होता क्या है। विश्व व्यापार संगठन WTO के टैरिफ एंड ट्रेड पर जनरल समझौते के तहत MFN का दर्जा दिया गया था। भारत चीन दोनों ही WTO के हस्ताक्षरकर्ता देश तथा विश्व व्यापार संगठन के सदस्य भी हैं, जिसका अर्थ है कि उन्हें माल पर सीमा शुल्क लगाने के मामले में एक दूसरे और WTO के अन्य सदस्य देशों के साथ व्यापारिक साझेदार के रूप में व्यवहार करना आवश्यक है। समझ गए, अब बात कर लेते हैं प्रभाव की। आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा MNF का दर्जा वापस लेने का। मतलब है कि भारत अब चीन से आने वाले सामान पर सीमा शुल्क बढ़ा सकता है। इससे भारत में चीन द्वारा किया गया निर्यात प्रभावित होगा। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 8% चीन को निर्यात करता है, जबकि चीन अपने कुल निर्यात का केवल 2% भारत को निर्यात करता है। इस प्रकार यदि भारत चीन के उत्पादों को प्रतिबंध करता है तो चीन भी ऐसा ही करेगा, जिसके से ज्यादा नुकसान चीन का ना होकर भारत का ही होगा। एक बात आप समझ रहे हैं, चीन जितना निर्यात करता है उसमें से 2% केवल हमारे देश को देता है, बाकी उसने अपना मार्केट बिछा रखा है। 98% वो अन्य देशों को निर्यात करता है। अगर हम निर्यात की बात करें यानी कि हम बेचने की बात करें किसी से, इसे सीधा सा इस तरह ले सकते हैं कि आप 10 किलो टमाटर हैं आपके पास, ठीक है, कितने 10 किलो, तो ये 8 किलो आप टमाटर चीन को बेचते हैं और चीन के यहाँ आलू होता है तो चीन केवल 2% आलू आपको बेचता है, कितना 2%। तो आप अगर बंद कर रहे हैं व्यापारों से तो घाटा किसे होगा, आपके 8 किलो टमाटर बंद हो जाएंगे। आपको 8 किलो टमाटर बेचने के लिए कोई अन्य मार्केट तलाशना होगा, लेकिन चीन को केवल कितने नुकसान होगा, 2 किलो आलू का। समझ रहे हैं हम, तो 2 किलो आलू का वो और मार्केट देख लेगा तो इससे हमें अधिक नुकसान होने की संभावना है। चीन के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद को प्रतिबंधित करना भी भारत के हित में नहीं होगा, क्योंकि भारत में अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद चीन से ही आती है जिनका मूल्य कम होता है। आज आप सभी के हाथ में फोन देख रहे हैं तो इनमें से अधिकतर फोन चाइना के, तभी हमारे डिजिटल भारत एक सफलता की ओर बढ़ रहा है क्योंकि हर किसी के पास फोन है। और एक बात आप लोग देख रहे होंगे, हमारे नेपाल पड़ोसी है, हमारा पाकिस्तान पड़ोसी हो गया, अफगानिस्तान,
श्रीलंका, इन सभी में आपने देखा होगा कि चीन ने अच्छा कब्जा दबा लिया है, मार्केट मार्केट उसने बना लिया है अपना। फिर चाहे आप सऊदी अरब देशों को देखिए, फिर चाहे ईरान को देखिए, समझ रहे हैं आप लोग। तो उत्तर कोरिया में भी आपका यही इसी का दबदबा है। तो चीन काफी हद तक इस मुद्दे को उठाए हुआ है। यदि भारत ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर रोक लगा दी तो इतनी जल्दी इन उत्पादों का उत्पादन भारत में शुरू नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें अधिक समय और अधिक निवेश की जरूरत होती है। और आप देख रहे हैं कि चीन में इसीलिए निवेश करती हैं कंपनियां, क्योंकि वहां सस्ती जमीन, सस्ता श्रम उपलब्ध रहता है। चीन के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने से वह भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता का उल्लंघन कर सकता है और उत्तर पूर्व भारत में सुरक्षा समस्याएं खड़ी कर सकता है। और एक बात आप लोग समझिए, हमेशा क्या समझना है आपको, कि हम एक मुद्दा ले सकते हैं, हम चीन को तिब्बत वाले मामले में घेर सकते हैं, हांगकांग वाले में, अक्साई चीन जो मुद्दा है आपका इसे भी देख सकते हैं, और हांगकांग ताइवान मुद्दे पर भी घेर सकते हैं, दक्षिण चीन सागर में भी घेर सकते हैं। लेकिन आप सोचें डायरेक्ट व्यापार खत्म कर दें, ये मुमकिन नहीं है, इससे घाटा हमें ही होगा। ठीक है, अब आगे की राय क्या हो सकती है इसमें, उसे भी देख लीजिए। भारत को अपने विनिर्माण क्षेत्र के विकास की दिशा में तीव्र गति से बढ़ना होगा। ऐसे में मेक इन इंडिया 2.0 का लक्ष्य भारत को विनिर्माण हब के रूप में स्थापित करना है। भारत जिन उत्पादों के उत्पादन में सक्षम है, केवल उन्हीं उत्पादों के संबंध में एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा सकता है। यह एक प्रकार का शुल्क है जिससे चीनी वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी और भारत उत्पादक उस उनका मुकाबला कर सकेंगे, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि जो आपके यहाँ पेन 10 रुपये बनने में कीमत आ रही है, लागत आ रही है, और 12 रुपये का आप बेच रहे हैं, वही चीनी कंपनियां 8 रुपये का बेच रही हैं पेन, इस संदर्भ सस्ता। तो इस पर 8 रुपये पर आप लोग जब टैक्स लगा देंगे एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो ये हो जाएगा 12 रुपये का, फिर आपकी कंपनियों को हानि भी नहीं होगी। चीन के उत्पाद पर प्रतिबंध संबंधी अवधारणा नागरिक केंद्रित होनी चाहिए। भारतीयों को थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली विचारधारा को अपनाना ही होगा, तभी हमारे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, नेताओं के भाषणों पर मत जाया करिएगा। नेता बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और हकीकत कुछ होती है। जमीन आसमान का फर्क होता है हकीकत और सच्चाई में उसकी, क्योंकि उसे अपनी पॉलिटिकल कैरियर बनाना है, उसे चुनाव लड़ना है, तो वो कभी नहीं बोलेगा हकीकत क्या है। तो इसलिए कभी भी उनके भाषणों पर, उनकी बातों पर जिंदगी में भरोसा मत कीजिए। मैं इसीलिए हमेशा बोलता आया हूँ कि अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए कि सही गलत क्या होता है उसे जान सकें, वरना हम आज 70 साल से अंधभक्ति में वोट देते आ रहे हैं। जिसने दो चार वादे फटकारे, हमने तुरंत ठप्पा तोड़ दिया उसी के नाम पर। तो ये नहीं करना है, हमें अच्छी तरह से समझना है क्या स्थिति है। और आपसे हमसे ऊपर भी ये कई संगठन है, UN देख लीजिए, WTO देख लीजिए, WHO देख लीजिए। अगर हम लोग किसी भी देश से व्यापार पूरी तरह से खत्म करते हैं, तो आप सोचिए कि उत्तर कोरिया के आगे अमेरिका आपका झुक गया, अफगानिस्तान की के आगे अमेरिका झुक गया, आतंकवादी संगठनों के सामने अमेरिका ने हार मान ली, ईरान के सामने अमेरिका झुक गया। क्यों? अमेरिका तो शक्तिशाली देश है ना, वो तो किसी भी देश को मिटा सकता था। उत्तर कोरिया से देखिए 2 बार मीटिंग हो चुकी है, क्योंकि एक संगठन होते हैं हमारे ऊपर, UNA है, UN है, इस तरह के। अगर हम किसी भी देश पर एकाएक हमला बोलते हैं तो हम बे मतलब सबसे अलग हो जाएंगे और हमें इसका भुगतान करने पड़ेगा। आप ही सोचिए, गांव में जब किसी को जात अपनी बिरादरी से बाहर कर दिए जाते हैं, यानी कि जात से हटा देते हैं, तो वो अकेला पड़ जाता है, पड़ जाता है, यानी पड़ जाता है। तो इसी तरह होता है देशों में भी। चलिए, अपना ख्याल और अपने परिवार का ख्याल रखिए, और अभी जो आपके पास फोन है, TV है, जो भी चीनी सामान है उसे नहीं तोड़ना है। ठीक है, अब मत खरीदिए आगे से। ठीक है।